न से नारायण, म से महादेव और दोनों ही आदि देव, भगवान विष्णु और महादेव की मित्रता की कहानी लेकर आया है स्टार प्लस का नया शो जिसका नाम है नमः। इसका पहला एपिसोड हुआ है टेलीकास्ट, लेकिन अगर आपने कर दिया है मिस तो होइए ना परेशान, मैं बताऊंगी आपको नए माइथोलॉजिकल शो नमः का फर्स्ट एपिसोड रिव्यू। नमस्कार, मैं नम्रता। नमः के प्रोमो से आप समझ गए होंगे कि कहानी है विष्णु और शंकर के दोस्ती की, जहां एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सृष्टि नारायण और महादेव की पूजा के लिए भोग में केवल एक फल लेकर आती है। फिर वो हो जाती है परेशान कि आखिर कैसे वो एक ही भोग दोनों को चढ़ाए, और फिर सृष्टि को इस परेशानी से निकालते हैं भगवान ब्रह्मा। और यहाँ से शुरू होती है कहानी नमः यानी नारायण और महादेव के मित्रता की, जहाँ देवी लक्ष्मी और पार्वती कर रही होती हैं अपने स्वामियों की पूजा, लेकिन उन्हें दिखाई देती है एक अनहोनी की झलक, जहाँ घनिष्ठ मित्र यानी नारायण और महादेव में हो रहा है युद्ध। इस बात से घबराकर दोनों पहुँचती हैं अपने स्वामियों के पास, लेकिन दोनों प्रभु उन्हें देते हैं आश्वासन कि हमारी मित्रता अटूट है तो इसमें युद्ध का कोई सवाल नहीं। लेकिन महादेव कहते हैं कि यदि आप दोनों ने देखा है हूबहू वैसा ही चित्र तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है। तो वहीं दूसरी तरफ असुर कली यानी कलयुग हो गया है नारायण और महादेव के बंदी से रिहा, और उसके बाहर आने का कारण कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया हुआ श्राप है, जिसके तहत सभी देव खो देंगे अपनी सारी दिव्य शक्तियां, और उसे पाने के लिए लेना पड़ेगा इन्हें समुद्र मंथन का सहारा। और अब आगे के एपिसोड्स में आप देखेंगे कि समुद्र मंथन में किस तरह नमः ने मिलकर की है सृष्टि की रक्षा, और क्या कलयुग नमः को एक दूसरे से युद्ध करने के लिए मजबूर कर पाए। ये हो गई बात कहानी की, अब बात करते हैं शो के कास्ट और उनके लुक्स की। सबसे पहले बात महादेव की, जिनका किरदार निभा रहे हैं विकास मंतिकला, और उन्होंने अपने रोल के साथ पूरी तरह न्याय किया है, साथ ही उन्हें जो लुक दिया गया है उन पर जज भी रहा है। तो वहीं नारायण के रोल में है सवी ठाकुर, जिनके चेहरे पर जो तेज है उन्हें इस किरदार में पूरी तरह ढाल देता है। इसके अलावा छवि पांडे माता शक्ति का किरदार निभा रही हैं, तो वहीं झलक देसाई हैं लक्ष्मी के रोल में, और दोनों ही फीमेल लीड के कॉस्ट्यूम में बेहद कमाल की हैं, और इनकी पेयरिंग भी जो की है मेकर्स ने वो खूब सोच समझ कर बनाई है। सबसे खास बात आपको बता दें कि कलयुग का रोल निभा रहे हैं रवीश ठाकुर, और उनकी साथ ही बनी है मृत्यु यानी सारा खान। और इनके लुक्स की क्या बात करें, कली के लिए जो वीएफएक्स इस्तेमाल किए गए हैं क्या कहने। तो ये हो गई बात स्टार कास्ट की, अब गौर करते हैं शो के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर जो इसे बाकी माइथोलॉजिकल शो से बिल्कुल अलग बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शो के एक एपिसोड के वीएफएक्स के लिए मेकर्स ने तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए खर्च किए हैं। सीरियल नमः में मेकर्स इस बार दर्शकों को बहुत कुछ ग्रैंड दिखाना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने ना केवल सीरियल के एक एपिसोड पे इतना खर्च किया है बल्कि वीएफएक्स को और बढ़िया बनाने के लिए देश ही नहीं विदेशों के भी वीएफएक्स आर्टिस्ट की मदद ली है और इस शो को कंप्लीट किया है। इतना ही नहीं, 20 से ज़्यादा वीएफएक्स कंपनी भी इस पर वर्क कर रही है। अक्सर हमने नारायण और महादेव के भक्ति की कथा सुनी है, शक्ति की भी कथा सुनी है, लेकिन पहली बार आप इनकी दोस्ती की कहानी इस शो के जरिए देखेंगे। भले ही शो को उस लेवल पर प्रमोट नहीं किया गया जितने माइथोलॉजिकल शोज को अक्सर हमने प्रमोट होते देखा है, लेकिन इसके पहले एपिसोड के बाद दर्शकों का प्यार नमः को मिलना शुरू हो गया है। नमः करने वाला है स्टार प्लस के सीरियल एक भ्रम सर्वगुण संपन्न को रिप्लेस, और शो नमः आप देख सकते हैं स्टार प्लस पर शाम 7 बजे सोमवार से शुक्रवार, और ये वेबकास्ट होगा हॉटस्टार पर भी। खैर, अब ये देखना होगा कि जहां बिग बॉस और कई बड़े शोज हाल ही में शुरू हुए हैं तो क्या नमः दर्शकों के बीच अपनी यूनिक प्लॉट से जगह बना पाएगा। तो ये था आपके लिए हमारी तरफ से स्टार प्लस के नए शो नमः का रिव्यू। खैर, आपको शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और टेलीविजन की सारी अपडेट्स के लिए देखिए टेली रिपोर्टर। तब तक के लिए थैंक यू।